प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आचार्य मानतुम, इन दोनों का समय भिन्न है, क्षेत्र अलग है। भक्ति एक ऐसा सूत्र है कि जिससे समय और क्षेत्र की दूरी समाप्त की जाती है, और जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त होती है तब भक्त में भगवत्ता का साक्षात्कार होता है। इसका साक्षात प्रमाण है भक्तामर स्तोत्र, न केवल जैन परंपरा में, कई जैनेतर लोग भी जिसकी आराधना से आध्यात्म की साधना में तन्मय होते हैं, ऐसा भक्तामर स्तोत्र आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने इस भक्तामर स्तोत्र की जनप्रियता को सर्वजन प्रियता तक पहुंचाने के लिए आस्था के इस सूत्र को व्यवस्था में ढालने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। 48,000 लोगों से भक्तामर्श लिखाने का एक अनुष्ठान, शब्द साधना के साथ अक्षर साधना का सूत्र है। अक्षर साधना से अक्षर बनने की यात्रा शुरू हो, यही हमारी मंगल कामना है। साधना ही हमेशा पुरुषार्थ प्रधान होती है, उसके बाद की सारे औपचारिक विधि विधान उतने ही होने चाहिए जिससे साधना प्रगल्भ हो। साधना पर बोझ आ जाए ऐसा बाह्य आडंबर कभी साधना को जटिल बना देता है, और इसलिए आचार्य मानतुम का परमात्मा भक्ति, परमात्मा के भक्ति में रचा हुआ स्तोत्र भक्तों को भक्ति के माध्यम से सीधा भगवान के साथ जोड़ देता है। इसलिए आचार्य मानतुम के कहते हैं, तो भक्ति रेव मुकरी कुरुते बलान मान, तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे, तुम्हारे प्रति मेरी जो भक्ति है, तद भक्ति रेव वही मुझे स्तोत्र रचने के लिए शक्ति प्रदान कर रही है, प्रेरणा दे रही है, उसी से संभव हो पा रहा है। ऐसी भक्ति भक्तामर स्तोत्र के प्रति जागरूक करने का ये उपक्रम, इस उपक्रम की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।